के प्रदर्शन के बीच में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से राजीव गांधी न्याय योजना का ब्यौरा मांगा है। जिले से लेकर प्रदेश में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाओं को बंद कर रहे हैं। रमन सिंह ने यह भी कहा कि केंद्र ने जो जानकारी राज्य सरकार से मांगी है उसके बारे में प्रदेश सरकार को जानकारी देनी चाहिए। वहीं इस पर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। केंद्र के ब्यौरा मांगने के बाद से मंत्री रविन्द्र चौबे ने निशाना साधा और कहा कि सरकार लगातार हमसे पूछ रही है, रोक लगाने वाली बात तो सार्वजनिक है, केंद्र सरकार हर बार हमसे पूछ रही है कि सपोर्ट प्राइस से एक रुपए भी ज्यादा किसानों को नहीं मिलना चाहिए। पूरे देश के किसानों को इसी तरह लाभ मिले, सभी राज्यों के किसान इस योजना को जानना और समझना चाहते हैं। ये किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली योजना है, जिसे हमें उम्मीद है इस योजना के ड्राफ्ट का अध्ययन कर इसे देश में लागू करेंगे। बारे में जानकारी मांगी है तो देना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। मगर सवाल इस बात का है कि भैया तुमने दो साल के अंदर केंद्र सरकार की योजनाओं का क्या हश्र किया है। 5 लाख गरीबों के आवास 1,80,000 के बनने थे, वो 5 लाख आवास नहीं बनेंगे क्योंकि केंद्र सरकार के योजनाओं को आप बंद करना चाहते हो। केंद्र सरकार किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से 1 रुपया भी ज्यादा देने से मना कर रही है, इसलिए वो मंगाती है। लेकिन हमारा जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है वो इनपुट सपोर्ट की योजना है, हम किसानों को लागत सपोर्ट दे रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि उनको भी अगर सद्बुद्धि आए तो इस योजना को देश में लागू करें।